हिंदुस्तान के स्पार्टन्स। जी हाँ दोस्तों, एक हॉलीवुड मशहूर फिल्म में दिखाया गया था केवल 300 स्पार्टन्स जिग्ज़िस के बहुत सारे सैनिकों को युद्ध में खदेड़ दिया था। क्या आप जानते हैं इस तरह लड़ाई हिंदुस्तान में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, इस तरह लड़ाई हिंदुस्तान में हुआ था। ये लड़ाई शेरशाह सूरी और राजपूतों के बीच हुआ था। सन 1543 में शेरशाह सूरी ने 80,000 घुड़सवारों के साथ जोधपुर के राजा माल्य पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। जब इसका खबर राजा माल्य को मिला, तब राजा माल्य ने भी 50,000 सेना के साथ शेरशाह से सामना करने के लिए निकले। लेकिन शेरशाह दुश्मन की राजधानी में जाने के बजाय जोधपुर के एक 90 किलोमीटर पूर्व एक गांव में रुक गए। उसी गांव में रह के एक महीने तक युद्ध का योजना बनाते रहे। लेकिन शेरशाह के विशाल सेना के लिए खाने पीने का खाद्य का समस्या हो गई। इस समस्या का हल निकालने के लिए शेरशाह ने एक चालाक चाल का सहारा लिया। एक शाम राजा मालदेव के शिविर के पास एक जाली पत्र इस तरह गिराया कि उसके बीच में आना निश्चित तय था। इस पत्र से राजा मालदेव को संदेह हुआ कि उसके कुछ सेनापति शेरशाह को सहायता कर रहे हैं, और तुरंत अपने सेनापतियों को जोधपुर जाने का आदेश दिया और खुद अपने अंगरक्षकों के साथ युद्ध मैदान छोड़ दिया। राठौर के कुछ लोग सरदार बन गए कि पीछे हटने से उनके पारिवारिक सम्मान पर दाग लग सकता है, क्योंकि उन्हें धोखे का संकेत था। रहने और लड़ने के लिए चुना। जब मालदेव की निर्दोष सेनापति जयत और केम्पा को पता चला कि क्या हुआ था, वे चिंतित थे कि अपनी निर्दोषता को कैसे साबित करेंगे। जब राजा ने वापस जाने का आदेश दिया तो उन्होंने अफगान सेना के बारे में चिंतित गांव की महिलाओं के बीच की बातचीत को अनसुना कर दी। महिलाओं में से एक ने कहा कि हमें जब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जब तक हमारी रक्षा करने के लिए जयत और केम्पा यहाँ नहीं है। जबकि उनके पास 80,000 सैनिक और 40 तोपों के दुश्मन के बल के खिलाफ सिर्फ 1,000 सैनिक ही थे। जयत ने कहा कि हम जिस भूमि को छोड़ रहे हैं वह हमारे पूर्वज द्वारा जीता और सुरक्षित है, हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उसी तरह कुछ 1,000 घुड़सवारों के साथ राठौर सरदार अपनी वफादारी को साबित करने के लिए वापस रहने और लड़ने का फैसला किया था। उन्होंने घुड़सवार दस्तों ने अफगानों को अपनी सेना के वापस धकेल दिया। कुछ सरदारों जैसा जयत और केम्पा और अन्य शेरशाह सूरी पर हमला किया और वीरता के अधिक अपना प्रदर्शन किया। अफगान सेना कुछ भाग रूठ गया और कुछ भाग शेरशाह के पास वापस गया और अपने मातृभाषा में चिल्लाते रहे, काफिरों के लिए मौत अपनी सेना को भगा रही है। तभी घबराए हुए घुड़सवारों को शेरशाह ने आदेश दिया कि जयत और केम्पा का सर लाने के लिए। तभी कुछ देर के बाद उनके आदमी जयत और केम्पा को मार डाला। जब शेरशाह ने जयत और केम्पा की वीरता और वीरता को सीखा तो शेरशाह ने टिप्पणी की है कि बाजार के कुछ दानों के लिए मैंने हिंदुस्तान के पूरे राज्य को लगभग खो दिया। इस युद्ध के परिणाम शेरशाह विजय हुआ, लेकिन उसके कई सेनापतियों ने अपनी जान गंवा दी और उसकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कहा जाता है कि शेरशाह ने टिप्पणी की है कि बाजार के कुछ दानों के लिए मैंने हिंदुस्तान के पूरे राज्य को खो दिया है। इस जीत के बाद शेरशाह नाखुश था और जनरल खवास खान मारवत ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया और 1544 में अजमेर से माउंट अबू तक मारवाड़ा के इलाके पर कब्जा कर लिया। लेकिन जुलाई 1545 तक मालदेव ने अपने खोए इलाकों को फिर से खोल लिया।